बातों में आने से न जाने कितने घर से बेघर हो गए। कभी कहते अरे नारी की बात न से बड़े बड़े गुजड़ गए, द्रौपदी की बात न से दुर्योधन से गुजड़ गए। सीता की बात न से लक्ष्मण भी रोए गए, मंथरा की बुद्धि से सुख सारे सोए गए। स्त्री के आगे लेकिन नारी से हार गए। स्त्री की बातों में आने से दुर्योधन घर से बेघर हो गया। अपमानजनक शब्द जब सुने हैं उसने, तो उसी क्षण लौट करके चलने के लिए हुआ। लेकिन द्रौपदी से एक बात कही पांचाली, भाई आज तो तुम सारी सभ्यता भूल गई, जिसे तुम अंधा कह रहे हो वो रिश्ते में तुम्हारा ससुर लगता है, है? और तुम आज देख करके हंस रही हो तो मेरी बात सुनो, वो भी बड़ा घमंडी था। बोला देख करके हंस रही हो पांचाली, एक दिन वो आएगा जो नेत्रों में आंसू कब पड़ जाए।
उस दुर्योधन ने कि तू हमें अंधे का अंधा कह रही है, तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, एक दिन वो आएगा जो नेत्रों में आंसू कब पड़ जाएंगे। और इतना कहने के बाद में दुर्योधन जो था वहां से चला गया। मामा शकुनी के पास में जाकर के कहा है कि मामा आज तो उस पांच पति वाली स्त्री ने हमारा बड़ा कुछ कह पाती। उससे पहले उस कमीने केश पकड़ लिए और केश पकड़ करके घसीटता हुआ लेकर के चला। सभा में जब पहुंचा है तो क्या देखा है कि सब बैठे पितामह भीष्म धृतराष्ट्र कृपाचार्य द्रोणाचार्य सब बैठे ही लेकिन गर्दन झुकाए बैठे। ये दृश्य देखकर के पांचाली द्रौपदी को बड़ा कष्ट हुआ। सोचने लगी है कि इस परिवार की मैं कुल वधू हूं, हुजर भी अपनी गर्दन झुकाए बैठे हैं और पतियों की तरफ देखा है तो पांचों बैठे तो हैं लेकिन वो बीच से नीचे खड़े हुए। और जहां पर स्त्री का अपमान होना शुरू हो जाए तो आप समझ लेना पड़ता है दुख सहना और कहना किसी से पाऊं अपने ये दिल का
भगवान कृष्ण को याद किया, भैया तुम्हारे बिना बहन की लाज बचाने वाला कोई नहीं है। और उस तरीका से घिर गई हूं जैसे बनी के राजा शेर के आगे गाय घिर जाती है। पति कुछ कहना नहीं चाहते हैं, बुजुर्ग कुछ कह नहीं रहे हैं, और तुम याद करो पुरानी सशपाल का वध किया था सुदर्शन चक्र से, उंगली में खरोंच आई थी, हमने तुम्हारी उंगली बांधी, तुमने ये कहा था कि पांचाली आज से मैं तेरा ऋणी हो गया और समय आने पे एक एक धागे का ऋण चुका दूंगा। तो आज वो समय आ गया है, जब अंगुली कटी तुम्हारी थी, अरे उंगली बांधन का भैया बस थी हमारी। दशा वो बन गई है, वो दशा है, अब जैसे कपिला गाय पति में आई सिंह कोई पैसे दीना नाथ दशा भई तो पैदा थी जाए तो राखिला जब मेरी जाए रही गिरधर। भगवान कृष्ण को ध्यान किया है,